नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं अपने YouTube चैनल वेधा आयुर्वेदा में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाइल्स यानी बवासीर यानी अर्श की क्या चिकित्सा है। और आज के इस वीडियो में मैं चार पॉइंट कवर करूंगा, जिसमें सबसे पहला है कि आयुर्वेदिक से 100% पाइल्स को कैसे ठीक किया जा सकता है या बवासीर को कैसे मिटाया जा सकता है। दूसरी में बात करूँगा कि योगा के माध्यम से कैसे आप पाइल्स होते हुए भी बिना किसी कष्ट या बिना किसी पीड़ा के जीवन यापन कर सकते हैं। तीसरी में बात करूंगा नाड़ी चिकित्सा, जो बहुत ही पुरानी चिकित्सा है, जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। और चौथी बात करूंगा कि पाइल्स का ट्रीटमेंट अगर आप एलोपैथी के माध्यम से करा रहे हैं तो आप कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं और आप क्या उसका परिणाम भुगतेंगे भविष्य में। तो पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। और इससे भी पहले मैं बात करना चाहूँगा कि पाइल्स का कारण क्या होता है। पाइल्स का मेनली मेजरली एक ही कारण होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत होना, यानी पेट ना साफ होना। और पेट साफ यानी मल विसर्जन के समय अत्यधिक बल लगाना पड़ता है अगर आपको, तो आप समझ जाइए आप पाइल्स के शिकार होने वाले हैं। और उसके साथ हल्की हल्की ब्लीडिंग 5-6 महीने में अगर आ जाती है कभी कभी, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपको पाइल्स हो सकता है। और जिनको पाइल्स हुआ है उनका भी यही कारण है, कॉन्स्टिपेशन, पेट सही, हाजमा सही ना रहना। तो इसके अगर आप परमानेंट इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ पाइल्स पेशेंट के लिए एक अभ्यारिष्ट, जो आपके पेट और हाजमे को ठीक रखते हुए आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत हटाते हैं। दूसरा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ चित्रकारीवटी, जिससे आपको जो गैस बनती है उससे मुक्ति मिल सके। अभ्यारिष्ट को आप सुबह शाम 2 ढक्कन यानी 10 ml, एक ढक्कन 5 ml का होता है, तो 10 ml दवा और 10 ml पानी के साथ खाने के तुरंत बाद सुबह शाम ले सकते हैं। चित्रकारीवटी तीनों टाइम 2-2 tablet, अगर आपका 70 किलो के ऊपर वजन है तो आप 3 tablet 3 टाइम ले सकते हैं। और उसको चूसना है खाने के तुरंत बाद, जैसे आप टॉफ़ी चूसते हैं उसी तरीके से उसको चूसना है, बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ होती है योगराज गुग्गुल। इन तीन दवा का कॉम्बिनेशन आपको मात्र 120 या 180 रुपए में मिल जाएगा और आपका 1 महीने का ट्रीटमेंट हो जाएगा। 1 महीने में ही पाइल्स की ज़्यादातर चीज़ों से आप मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका रेगुलर ट्रीटमेंट कम से कम 2 महीने तक करते हैं और जात्यादि तेल का लेपन मस्सों पर लगाते हैं तो आपका 2 महीने में पाइल समूलता नष्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं योगा। योगा में कपालभाति, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोन को बैलेंस करता है। कपालभाति आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचाता है जो पाइल्स में मेन होती हैं। ये 2 आसन 5-5 मिनट करने से आपको दोबारा गैस की या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या पेट से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, साथ में करते रहना चाहिए, जिससे आपका पाइल्स समूलता नष्ट हो सके। तीसरी बात करते हैं नाड़ी चिकित्सा की। तो आप मेरा हाथ देख रहे हैं, हाथ में ये पोजीशन नॉर्मल हाथ को रखते हुए 100 से 150 बार सुबह और शाम को दबानी चाहिए खाली पेट। अब आप कुछ लोग सोचते होंगे कि सुबह तो खाली पेट रहा जाता है परंतु शाम को खाली पेट का जजमेंट कैसे किया जाता है। खाने के बाद अगर आप 4 घंटे बीत जाते हैं और आप कोई दूसरा भोजन नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए आप खाली पेट हैं। कहने का तात्पर्य दोपहर का खाना खाने के बाद 4 घंटे बाद आपको 100 से 150 बार इस पॉइंट को दबाना है। फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये और ये जहाँ बी शेप बनता है यहाँ पर ऐसे ऐसे दबाना है 100 से 150 बार। इन 3 तरीकों से आप समूलता नष्ट कर देंगे पाइल्स को मात्र 1 से 2 महीने का। अगर आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि मात्र 2 दिन में पाइल्स ठीक हो जाएगा इस बूटी से, ऐसा सब फेक है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको लेकर उनको बढ़िया पैसा और सैलरी देने के साथ साथ उस चीज़ को पेटेंट करा के मार्केट में अब तक अवेलेबल करा सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनसे ज़्यादा तीखी नज़र किसी की नहीं होती। तो अगर आप इस लफड़े में फंस रहे हैं कि ये कर लें वो कर लें, घरेलू उपाय जो बताए जाते हैं वो उपयोगी होते हैं, परंतु अगर आपकी बहुत ही इनिशिएटिंग स्टेज है तो अगर आपको 2 साल या 1.5 साल हो चुके हैं तो घरेलू उपाय आपको
सहायक हो सकते हैं परंतु इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलोपैथी का। एलोपैथी मात्र दबाती है परंतु किसी प्रकार के कारण का वह निवारण नहीं करती है। मतलब अगर आप पाइल्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अंततः वो सर्जरी पर तक आपको ले जाएंगे, फिर सर्जरी करा देंगे, लेकिन क्योंकि कारण नहीं समाप्त हुआ है तो आपको 4 से 5 साल के बाद फिर से पुनः पाइल्स की प्रॉब्लम होगी। तो एलोपैथी का ट्रीटमेंट तुरंत छोड़ दें। और ये जो मैंने 4 औषधियाँ बताई हैं, अभयारिष्ट सुबह शाम, चित्रकारिवटी तीनों टाइम, अगर आपका 70 किलो से ज़्यादा वजन है तो 3 टेबलेट्स तीनों टाइम, और योगराज गुड़गुड़, इन तीनों को यूज़ करें, उसके बाद योगा यूज़ करें, उसके बाद नाड़ी चिकित्सा यूज़ करें। मैक्सिमम आपका 5 से 10 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा, और ये 10 मिनट अगर आप देते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को पाइल से मुक्त पाते हैं।